हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि हम एक सिंपल कुर्ती पर डिज़ाइन कैसे बनाएं या हम सिंपल कुर्ती को डिज़ाइनर लुक कैसे दें। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने एक ये प्लेन कुर्ती ली है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस कुर्ती का गला तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने गला बनाने के लिए बुकरम कट किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी डीप चाहें उतना गला तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 2 इंच इस गले की चौड़ाई रखी है डिज़ाइन तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये बॉटम का मतलब उसी कमीज़ के बॉटम से मैचिंग कपड़ा लिया है। इसके साथ हम कमीज़ को डिज़ाइन देंगे। इस कपड़े के साथ अब इस गले को हम अटैच करेंगे, जैसा कि हम यूजुअली हम कुर्ती तैयार करते समय करते हैं। ये मैंने ऐसे गला तैयार कर लिया है, अब मैं इसको कमीज़ के साथ अटैच करूँगी। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि हम इसको कमीज़ की उल्टी तरफ से जोड़ेंगे कमीज़ के साथ, और जिससे कि ये फोल्ड होकर हमारा कमीज़ के दाईं तरफ निकल कर तैयार हो जाएगा। आमतौर पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम ये जो गला होता है हमारा, हम कमीज़ की उल्टी तरफ फोल्ड करते हैं, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको उल्टी तरफ से चिपका कर जो कमीज़ की सीधी सतह होगी उसके ऊपर इसको हम लेके आएंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन अच्छे से ऊपर कर आए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऐसे यहाँ पर रख के और सीधी तरफ रख के मैं इसको ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सिलाई लगाती हूँ। थोड़ा हम सिंपली धागे से और मशीन के साथ ही डिज़ाइन करेंगे। मैंने ये धागा लिया है, उसको 5 बार मैंने फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस धागे को हमारी जो ये बॉबिन होती है इसमें भर लूँगी। मैं ये हाथ से ही भर रही हूँ फ्रेंड्स। हम इसको हाथ से ही टाइट टाइट ऐसे इसमें भरेंगे। और ये देखिए, अब हम उल्टी तरफ से, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा सिंपल धागा चल रहा है और नीचे हमारा 5 जो फोल्ड किया हुआ तय किया हुआ धागा है वो चलेगा, तो वो डिज़ाइन ऊपर की तरफ है, इसलिए मैं इसके उल्टी तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए, ये मैंने ऐसे पहले सिलाई लगा रही है और ये हमारा जो डिज़ाइन है वो निकल कर आया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा डिज़ाइन बना है ये। और ऐसे ही मैं इसके उल्टी तरफ से 4-5 सिलाई, जो कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस छोड़ के मैं 4-5 सिलाई लगा लूँगी, और जिससे कि फिर हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने अब ये दूसरी जो सिलाई लगाई है उसके लगाने के बाद ये ऐसा लुक हमारा तैयार हो गया है। और ऐसे ही मैं और भी सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनली लुक है। मैंने यहाँ पर 4 सिलाई लगाई है और ये हमारा गला ऐसे बहुत ही फैंटास्टिक रूप में हमारा ये तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, अब हम इस कमीज़ का बॉर्डर तैयार करेंगे। बॉर्डर के लिए ये मैंने जो कि 3.5 इंच का बुकरम लिया है और 3.5 इंच की ये पट्टी कपड़े वाली ली है। और मैं अब इस पट्टी को इस बुकरम के साथ अटैच करूँगी, पहले ऐसे मोड़ के, और मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और अब मैं इसको कपड़े के साथ अटैच करूँगी, पहले नॉर्मल तरीके से। तो आप पूरा डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरा डिज़ाइन समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल पूरा देखें, तभी आपको ये डिज़ाइन समझ में आएगा। तो ये मैंने फाइनली मैंने ये इस पर पट्टी चिपका ली है। अब मैं इस पर भी वैसे ही जैसे कि हमने गले पर बनाया था वैसे ही सेम डिज़ाइन मैं इस बॉर्डर के लिए बनाऊंगी। ये मैंने वही फिर से 5 बार ऐसे धागे को फोल्ड किया है और ये मैंने हाथ से ही मतलब फोल्ड करके और हाथ से ही मैंने बॉबिन में भरा था, और वैसे ही हम इसको भरेंगे और फिर वैसे ही मैं उल्टी तरफ से सिलाई लगाऊंगी, जो कि फिर हमारा सीधी तरफ से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होकर आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब सिलाई लगा रही हूँ और ये हमारा ऐसे डिज़ाइन निकल कर आ रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो ऐसे ही मैंने अब ये पहली लगा ली है फ्रेंड्स, और आप ये देख सकते हैं। तो
जैसे कि सेम वैसे ही हमने जैसे गले में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके जो हमने लाइनें लगाई थी वैसे ही हमने लाइनें बॉर्डर तैयार करने के लिए लगाई है। और ये फाइनली हमारा बॉर्डर का लुक जो कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली ये हमारा कुर्ती का लुक हो गया है तैयार। गला हमने गला तैयार किया है और बॉर्डर तैयार किया है। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक मेरा कैसा लगा। अब हम बनाएंगे बाजू। बाजू के लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और मैं इसको फोल्ड करके ऐसे डबल और फ्रिल वाली बाजू तैयार करूँगी। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स ऐसे यही डिज़ाइन के आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये फ्रिल वाली बाजू तैयार की है। देखें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से प्लेट जचा कर और ये मैंने बाजू तैयार की है। देखिए फ्रेंड्स मैंने कुर्ती को स्टिच कर लिया है। अब हमारा ये गले का और बाजू का जो फाइनल लुक है आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये हमारा कुर्ती का पूरा फाइनली लुक बनकर तैयार हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल बहुत ही प्लेन कुर्ती थी जो कि मैंने बॉटम के कपड़े से ही थोड़ा सा कपड़ा लेकर ऐसे डिज़ाइन की है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहे तो चाहो तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो भी दोबारा वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।